इतना हुजूम में जो है पप्पू यादव के कार्यकर्ता और पप्पू यादव भेजा और गुंडागर्दी करने के लिए, ये तो जो अच्छा लोग का यह परिचय नहीं है। पत्थर फेंका वहाँ पर नेता को, जो कि हमारे जो राज्यसभा का सांसद है ऊपर भी लगा, चोट लगा जो कि है मनोज झा जी को, तो हमारा नेता पर अटैक किया। सबसे बड़ी बात है कि नेता पर अटैक किया, यह शोभनीय बात नहीं है। हम पूर्णिया के जनता से अपील करना चाहते हैं, बीस गुंडागर्दी जो जब अभी जीता नहीं है तब तक हो रहा है, जब जीतने के बाद क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में। हुआ आदेशपुरी पूर्णिया लोकसभा सीट काफी हॉट सीट बना हुआ है और पप्पू यादव टेंशन बने हुए हैं तेजस्वी यादव के लिए। बता दें आपको, कल शाम तेजस्वी यादव के द्वारा पूर्णिया में रोड शो किया गया और रोड शो में पप्पू यादव के नारे लगे, धक्का मुक्की भी हुई। आपको बता दें, उम्मीदवार बीमा भारती के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि पप्पू यादव ने रोड शो के दौरान अपने गुंडे भेजे, गुंडागर्दी की। डीएमएसपी के पास शिकायत की गई है कि मामले की जांच की जाए। पहले आप वीडियो देखिए, जब रोड शो हो रहा था किस तरह से पप्पू यादव के फेवर में नारे लग रहे थे। आपको बता दें कि धक्का मुक्की हुई, गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है और ये कहा गया है आरजेडी के द्वारा कि उनके एक राज्यसभा सांसद को चोटें आई हैं, गाड़ी में भी तोड़फोड़ किया गया है। मामले की जांच होगी, लेकिन आपको बता दें बीमा भारती ने भी अपना पक्ष रखा है। सुनिए बीमा भारती ने क्या कहा। मैडम, कल आपका रोड शो था, क्या मामला? बिल्कुल सत्य है कि जब हमारे नेता जब वहां से रोड शो के लिए निकले तो इतना दिन भवन से इतना हुजूम में जो है पप्पू यादव के कार्यकर्ता और पप्पू यादव भेजा और गुंडागर्दी करने के लिए, ये तो जो अच्छा लोग का यह परिचय नहीं है। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, सब लड़ सकता है, सब प्रचार कर सकता है, रोड शो कर सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है किसी को। लेकिन उसको इतना क्या, हमको लगता है कि इतना उनको क्यों परेशानी हो गया। जो हमारे नेता जो आदरणीय भाई हमारे तेजस्वी यादव जी और हमारे जो संसद थे राज्यसभा का जो मनोज झा जी साथ में थे, हमारे जो भाई मुकेश सहनी जी थे साथ में, और इसके बाद राज्यसभा का सांसद संजय यादव जी थे साथ में, तमाम हमारे साथी थे और माननीय विधायक जी थे, वायसी का भी थे, सब उसमें हम भी थे। लेकिन इस तरह का रमसा चौक पर जो बना करके और पेपर में लपेट के और शीशा लपेट के वो फेंका, वहां पर पत्थर फेंका वहां पर नेता को, जो कि हमारे जो राज्यसभा का सांसद है ऊपर भी लगा, चोट लगा जो कि मनोज झा जी को, तो उनको चोट लगा। इसके बाद हमारा नेता पर अटैक किया। सबसे बड़ी बात है कि नेता पर अटैक किया, यह शोभनीय बात नहीं है। हम पूर्णिया के जनता से अपील करना चाहते हैं कि इस गुंडागर्दी जो जब अभी जीता नहीं है तब तक हो रहा है, जब जीतने के बाद क्या होगा, पूर्णिया की जनता को सोचने का जो है समय आ गया है। और जनता निर्णय करे इस बात का कि इस तरह से जो कर रहा, जहाँ भी हमारा कार्यक्रम रहता है वहां पहुंच जाता है, 10 गो लफड़ा लेकर के भेज देता है गुंडागर्दी करने के लिए, नाराबाजी करने के लिए। ये कौन तरीका हुआ? एक महिला प्रत्याशी है, उसको समझ आना चाहिए, वो खुद समझदार है, चुनाव लड़े हैं, इतना दो तो समझ होना चाहिए पप्पू यादव को कि किस तरह से हमने जो है कि एक महिला के साथ कर रहे हैं। उसका कोई सभा होता है, कहीं कार्यक्रम होता है, मेरा आदमी तो नहीं जाता है उसका नाराबाजी करने के लिए, मारने के लिए। आज छोटू यादव को उसको गाड़ी को थमा कर दिया, उसको जो है कि मारपीट किया। हमारे कार्यकर्ता कई को चोट लगा, मेरे गाड़ी को धक्का देकर के जो लगा था कि पलटा देगा गाड़ी को, ऐसे कर रहा था। मेरे उस गाड़ी में हमारी बेटी बैठी थी, हमारे कार्यकर्ता बैठे थे। इस तरह का शोभनीय नहीं है। हम तो प्रशासन से यही आग्रह करेंगे SP साहब से कि जो भी यहाँ पर इस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है उसको चिन्हित करके उसको कार्रवाई कीजिए। ना तो आने वाले समय में पूर्णिया के जितने भी हमारे व्यवसायी है, जितने हमारे यहाँ के जनता है, सभी भयभीत में जी रहे हैं और जितने बार और भयभीत में होंगे। हम बार बार जो BJP साहब से भी आग्रह करेंगे, यहाँ के SP साहब से आग्रह करेंगे और सभी से हम यही आग्रह करें, DM साहब से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह का जो हुड़दंगबाजी कर रहे हैं पूर्णिया में, यह चुनाव नहीं हो रहा, यह गुंडागिर्दी हो रहा है। जो गुंडा बाहर से मंगाया है, जो दूसरे सब जिला से मंगा करके इस तरह से कर रहे हैं, तो यह शोभनीय बात नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि बीमा भारतीय कहना है कि पप्पू यादव गुंडागर्दी पर उतारू है। लोकतंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन बता दे कि पूर्णिया से पप्पू यादव की उम्मीदवारी को लेकर तेजस्वी यादव और राजद जिस तरह बौखलाए हुए है, आप सुने होंगे तेजस्वी यादव का वो बयान कि आप बीमा को ना जिताएं, NDA को जिता दें, लेकिन इसके अलावा तीसरे को किसी को ना जिताएं। यानी कि पप्पू यादव को लेकर जो है वो पूर्णिया में तेजस्वी यादव सारा अपना दमखम लगा दिए हैं। और खबरें ये भी मिल रही हैं कि 50 के आसपास अपने विधायकों को पूर्णिया लोकसभा सीट पर उतार दिए हैं। बीमा भारती के लिए वोट मांगने से ज्यादा उनका काम है पप्पू यादव का खेल खराब करना। यानी कि पप्पू यादव को किसी भी स्थिति में नहीं जीतने देना है। और कल के रोड शो में जिस तरह पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगे, आपको पता है ये पहली बार नहीं लगे हैं, इससे पहले भी तेजस्वी यादव कई सभा किए हैं पूर्णिया में, वहां भी पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगे हुए हैं। तो बता दें आपको, बड़ा ही गहमा गहमी और हॉट सीट बना हुआ है। आज शाम प्रचार भी बंद हो जाएगा, डोर टू डोर कंपेनिंग शुरू हो जाएगी, परसों मतदान होना है और उसी दिन फैसला होगा। आपको बता दें मतपेटी में वो बंद हो जाएगा, फैसला तो 4 जून को होगा कि पूर्णिया का रण कौन जीतता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।